गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम ट्रेडिंग फैब डॉट इन। आज तारीख है 23 अक्टूबर 2020 फ्राइडे है, सुबह के 8:39 हो रहे। निफ्टी इंडेक्स में कल एक चॉपीनेस देखने को मिला, लगातार 3-4 दिनों से एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। निफ्टी काफी घंटे ट्रेडिंग के फर्स्ट आर के बाद एक साइडवेज पैटर्न में ट्रेड करते हुए दिखता है। तो ये जो मंथ है अक्टूबर, यहाँ पर काफ़ी सारे कंपनीज के सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट्स आते हैं, तो ऐसे में ज़्यादातर टाइम देखा गया है अक्टूबर या फिर क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले महीने में एक साइडवेज पैटर्न काफ़ी टाइम निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिलता है। और नेक्स्ट मंथ एक बड़ा इवेंट है, यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले, तो उसके पहले एक मार्केट साइडवेज जोन में देखने को मिल रहा है। जैसे इलेक्शंस का रिजल्ट आता है तो हमें एक जबरदस्त मूव देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ कोरोना वायरस का जो वैक्सीन है उसके बारे में भी जो तैयारियां चल रही है कि कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, तो कब आ जाएगा वैक्सीन ये अगले दिसंबर तक 1-2 महीने में पता चल जाएगा, और उसके बाद एक मार्केट में फिर से एक बार तेजी देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल अभी एक चॉपिनेस देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट मंथ काफ़ी बड़ा इवेंट है, यूएस के इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो आज के निफ्टी में इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 22 अक्टूबर आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर ही आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बना रहा था 12,018 और ब्रेकडाउन लेवल बना रहा था 11,864। तो जैसे कि आप देख रहे हैं निफ्टी इंडेक्स का ये चार्ट है, निफ्टी इंडेक्स ने एग्जैक्ट ब्रेकडाउन लेवल के पास काफ़ी सपोर्ट टेस्ट किया। तो ये सपोर्ट ब्रेकडाउन लेवल का सपोर्ट ब्रेक करने के बाद फर्स्ट टारगेट 11,847 ये अचीव हुआ। एग्जैक्ट इसी लेवल पे इसने फर्स्ट टाइम सपोर्ट टेस्ट किया था, बाउंस बैक हुआ, काफ़ी चॉपिनेस था। एक जिगजैग मूव हमें निफ्टी इंडेक्स में कल देखने को मिल रहा था, 2G पैटर्न कल डेली चार्ट में निफ्टी इंडेक्स ने बनाया। और एग्जैक्ट जब फिर से ब्रेकडाउन लेवल को ब्रेक किया फर्स्ट टारगेट के बाद, सेकेंड टारगेट 11,831 ये भी अचीव किया। एग्जैक्ट इसी लेवल के पास इसने कल भी सपोर्ट लिया है और यहाँ से बाउंस बैक हुआ है, तो काफ़ी एक्यूरेट लेवल कल भी साबित हुए। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 16 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 12,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। चलते हैं ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। कल अमरीकी बाजार नासडैक में भी एक मिला जुला कारोबार यहाँ पर देखने को मिला, हल्की सी बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स भी काफ़ी कमजोर है, लास्ट 1 मंथ से अगर आप चार्ट देखें तो एक चॉपीनेस, एक साइडवेज पैटर्न देखने को मिल रहा है। एशियाई बाजार आज देखें तो एसजीएक्स निफ्टी मामूली बढ़त के साथ 32 पॉइंट के बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है, जापानी इंडेक्स भी पॉजिटिव नोट दिखा रहा है। डाउ फ्यूचर देखें तो हल्की सी बढ़त इस समय देखने को मिल रही है, तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में भी एक मिला जुला कारोबार इस समय देखने को मिल रहा है। चलते हैं निफ्टी के वीकली चार्ट पर, वीकली चार्ट से शुरू करते हैं। उससे पहले जो अपस्टॉक्स की एक ऑफर है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। अपस्टॉक्स एक डिस्काउंट ब्रोकरेज फॉर्म है, अगर आप इसमें अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको ये अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं लगेंगे, एब्सोल्युटली फ्री है। फिर फर्स्ट 30 डेज आपको कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगेगा, 30 डेज फर्स्ट 30 डेज एब्सोल्युटली फ्री ब्रोकरेज है। उसके बाद आपको मनी कंट्रोल का प्रो सब्सक्रिप्शन भी फ्री में मिलेगा, और ई लर्न मार्केट्स की तरफ से ये जो बिगिनर्स के लिए कोर्स है वो भी आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिलेगा। तो आपको करना क्या है, आपको अगर अकाउंट ओपन करना है तो आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं, जैसे कि हमारा और एक ऑफर यहाँ पर चल रहा है। इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं तो आपको हमारे जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। तो आपको जस्ट करना क्या है, अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो जस्ट यहाँ पर क्लिक करना है और आपका ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डालना है, फिर उसके बाद जो ओटीपी आएगा वो डालेंगे आप, तो ऑनलाइन प्रोसेस आगे की शुरू हो जाएगी। आपका अगर डॉक्यूमेंट सब कुछ क्लियर है तो एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है। अकाउंट ओपन होने के बाद आपको हमें इस नंबर पे कॉल करना है ताकि आपका क्लाइंट आईडी हम कंफर्म कर सके। तो ये एक छोटा सा ऑफर के बारे में इंट्रो था, ट्रेडिंग फैब के बारे में इंट्रो था। चलते निफ्टी के चार्ट के ऊपर।
जैसे कि वीकली चार्ट में हमने यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था, तो ये जो लेवल है 38.2% 11,930, ये यहाँ पर हर्डल फेस कर रहा है निफ्टी एज पर वीकली चार्ट। आज लास्ट डे है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ ये कैंडल ये इस वीक का, तो 12,000 उसके बाद 12,000 एक साइकोलॉजिकल बैरियर है, वहां पर हमने देखा 3 बार लगातार यहाँ से 12,000 से ये नीचे की तरफ आया है, तो ये लेवल काफी अभी यहाँ पर क्रूशियल है एज पर वीकली चार्ट का, ये जो हमने टूल यूज किया है फिबोनाची का उसके अकॉर्डिंग। चलते हैं डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो लाइन है 12,000 का ऊपरी लेवल के ऊपर, ये जो साइकोलॉजिकल बैरियर है यहाँ पर, ये एक बार, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार इसने यहाँ पर हर्डल फेस किया, और ये जो रेंज बन रहा है, ये जो रेड कलर का कैंडल है, लंबा कैंडल 15 अक्टूबर का, इसका हाई और लो के बीच में लगातार 5 दिन से ये ट्रेड कर रहा है। और कैंडल भी देखे तो कैंडल का ये जो बॉडी है, जो फील एरिया है, ये ओवरऑल हाई और लो के रेंज के 50% भी नहीं बन पा रहा है, यानी काफी चौपीनेस है मार्केट में, जहां पर ओपन हो रहा है उसी के पास आके ये क्लोज हो रहा है। कल का कैंडल भी देखे तो 2 ही कैंडलस्टिक बना है, और इसका हाई और लो प्रीवियस कैंडल का हाई और लो के बीच में, यानी रेंज बाउंड ट्रेडिंग है, इनसाइड बार ट्रेडिंग है। कल भी इसने एग्जैक्ट 11,823, कल का लो अगर आपको देखना है तो कल का आप लो देख सकते हैं, 11,823 कल का लो है, और ये जो 23.6% का लेवल है ये भी ऑलमोस्ट उसी लेवल के पास है, तो ये 11,800 नीचे में सपोर्ट है और ऊपर 12,000 का हर्डल है, तो यहाँ पर ये दो लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं तो हमें आने वाले ट्रेंड के बारे में कंफर्मेशन मिल सकता है, आइदर नॉर्थ या फिर साउथ की तरफ। तो नीचे अगर 11,800 अगर ब्रेक होता है तो 11,700 के पास डेली चार्ट में ये पिंक लाइन जो है, ये 20 EMA का लाइन है, ये 700 के पास आ रहा है, 11,700, तो यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट होगा अगर निफ्टी इंडेक्स 11,800 को ब्रेक करता है तो। तो ये जो रेंज है ये ब्रेक होना काफी जरूरी है, ये जो रेड कैंडल का रेंज है, तो ये हमें आगे के ट्रेड का कंफर्मेशन मिल सकता है। तो ये था डेली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं क्विकली 60 मिनट के चार्ट में, इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। निफ्टी इंडेक्स अभी ये मूविंग एवरेजेस के बीच में ट्रैप हो चुका है, अगर आर्ली चार्ट अगर आप देखें तो कल का ये जो हाई बन रहा है इसके ऊपर, यानी 11,937 के ऊपर निफ्टी इंडेक्स चला जाता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और क्विकली हमारा एक फर्स्ट टारगेट होगा तभी, 11,957 ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 11,971, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा, और कल का लो ब्रेक होने दीजिए क्योंकि कल एक डोजी पैटर्न बना था, इंडिसिजिवनेस बना था, तो कल का लो अगर ब्रेक करता है यानी 11,823 के नीचे चला जाता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा एक क्विकली फर्स्ट टारगेट हो गया 11,805, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा ये 100 EMA का, ये जो ग्रे लाइन है ये अराउंड 11,786 के पास आ रहा है, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी वीकेंड।